बताएं सर। अनिल जी देखिए, विशेष खरीदारी की राय है यानी कि स्पेशल चार्ट कॉर्नर कॉल है और स्टॉक का नाम है BHEL, जिसके चार्ट पर एक फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। कुछ समय पहले मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की राय दी थी। स्टॉक वहां से एक लंबी दौड़ लगा चुका है, लेकिन अभी स्टॉक ने 62 रुपए के एक मेजर रेजिस्टेंस को चार्ट पर पार किया है, तो BHEL खरीद करके चलना चाहिए। इस स्टॉक में काफी अग्रेसिव टारगेट्स हैं। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और खास बात क्या है, कुणाल जी का हाई कन्विक्शन कॉल है ये, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। 61 रुपए का स्टॉप लॉस है, 65 रुपए पहला टारगेट है, 70 रुपए दूसरा टारगेट है और BHEL है हमारा चार्ट कॉर्नर पे। BHEL पर करके चलें खरीदारी कॉल। स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। भारत फोर्ज भी अब 7% ऊपर है। सिटी साहब की खरीदारी की राय थी, अब क्या करना है भारत फोर्ज में, एक बार इस पर भी राय ली जाए। किरण जी जरा देखें, ऑलरेडी अच्छी मूव आ गई, 760 के लेवल पर है, अब चेज करना है इसे या डिप आने दे, कौन सा लेवल अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट रहेगा सर, जरा बताएं भारत फोर्ज के बारे में। दीप, मुझे लगता है चेस करना चाहिए और थोड़े से रिट्रेसमेंट में वापस एक बार बाय करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम्स हुए हैं आज, पहले 5 मिनट में हमने लगभग 6 लाख के वॉल्यूम्स किए हैं, तो ये एवरेज डे वॉल्यूम से लगभग 50% से ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, आपको अभी लेना चाहिए। 745 के आसपास मिलता है तो उधर बाय करना चाहिए, 730 का स्टॉप लॉस होगा और 780-785 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए स्टॉक में। ओके, तो 780-785 के टारगेट के खरीदारी करके चलिए। ये है आपके लिए भारत फोर्ज, स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में इवेंट बन के आ रहे हैं। टाटा स्टील पे फोकस करें, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 7-8 के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर मैं इसके अगर कॉल ऑप्शंस देखता हूँ तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो 105 रुपए के जो कॉल है, 3 रुपए 20 पैसे में जो मिल रहा है, उसे लॉन्ग करके चले। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे एट 4 रुपीज, यानी 1 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है। और हमें लगता है कि ये जो कॉल ऑप्शन है वो कम से कम यहाँ से 6 से लेकर 6.25 रुपए तक जा सकता है, तो 105 के कॉल ऑप्शन लॉन्ग करें एट 3 रुपए 20 पैसे के आसपास खरीदे। 105 रुपए वाला कॉल ऑप्शन, 1 रुपए 20 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाएं, 5 से 6 रुपए तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ टाटा स्टील के इस कॉल ऑप्शन में बन सकते हैं। डॉलर पे आया, उसका भाव चल रहा है 413 रुपए 40 पैसे। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर कल का परसों का हाई तो ब्रेक हो ही चुका है, रिसेंट में 4-5 दिन पहले के जो स्विंग हाई थे वो भी स्टॉक ने ब्रेक किए हैं और टाटा मोटर के अंदर अब यहाँ से आज और 2-3 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है वो 407 रुपए 408 रुपए के पास है। 407 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा मोटर में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 421 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 421 रुपए का लेवल निकलने पे 425 रुपए तक का मूव पुल बैक बाउंस बैक में टाटा मोटर में देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें टाटा मोटर 407 के स्टॉप लॉस से 421-425 के टारगेट्स के लिए। टाटा मोटर से वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है आपके लिए, यहां पर एक्शन है भरपूर। चार जी, अनिल जी स्टॉक को खरीद के चलना है और 325 स्टॉक का स्पॉट का भाव है। चंबल फर्टिलाइजर को यहाँ पर खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। आज के लिए पहला टारगेट 332 का होगा, दूसरा टारगेट 336 का रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 321 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं लास्ट 5-7 सेशन से जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेकआउट देखने को मिला है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, अर्लियर सपोर्ट से इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। 336 तक के जो टारगेट्स दिए हैं ये आज के टारगेट्स हैं। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है 3 से 4 महीने का इन्वेस्टमेंट कीजिए, बजट तक आप इस काउंटर को होल्ड कीजिए। हमें लगता है एक बड़ा अपसाइड मूव इस काउंटर में आ सकता है, 370 से 400 रुपए तक के अपसाइड मूव बजट तक के अगर आप होल्ड करके चलते हैं तो 400 तक के अपसाइड मूव चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकते हैं। 336 आज तक के टारगेट्स नजर आते हैं। तो नजर रखिए चंबल फर्टिलाइजर 332 और 336 के। ऐसा बताएं सर। दीपांशु जी, मेटल स्पेस से जिंदल स्टील एंड पावर पे बाय करने की सलाह है। जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, जिंदल स्टील पावर अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ और बढ़ते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है जिंदल स्टील एंड पावर फ्यूचर यहां से बाय किया जा सकता है। 448 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें करीब 460-465 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 442 के आसपास, तो जिंदल स्टील एंड पावर पे बाय करने की सलाह है।
यही चमक रहे हैं ट्रेड में और यहीं पर आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। अभी हम वेदांता की बात कर रहे थे, हिंडालको मूवमेंट में टाटा स्टील आपके लिए श्रीकांत जी रेकमेंड करके गए थे और अब पालविया साहब की तरफ से राय आ रही है JSPL पर, यहाँ पर बात कर रहे थे हिंडालको SPL पर, यहाँ पर अच्छा एक्शन है। बट परसिस्टेंट सिस्टम्स, इस पर नजर रखें, जब से IT का बाउंस बैक आया है ये स्टॉक आपको लीडरशिप दिखा रहा है और आज भी एक बड़ा उछाल परसिस्टेंट के चार्ट में आपको आते हुए दिख रहा है। पिछले दो तीन दिनों का एक्शन देखेंगे बहुत ही मजबूत रहा है ये काउंटर। मुदित जी कोई राय रखते हैं सर परसिस्टेंट सिस्टम्स पर, जिस तरह का मूव आ रहा है इसमें? डीप राउंडिंग बॉटम इस काउंटर में बना और वहां से बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। जो चार्ट्स बने हैं यहां से अभी और तेजी बनेगी। पहला टारगेट बनेगा 3520 रुपए का, 3520 निकालता है उसके बाद 3600 तक के अपसाइड मूव परसिस्टेंट पर नजर आते हैं। बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। कोई डिप आता है डिप में भी बाय करके चलेंगे। 3410 3420 के आसपास भी अगर ये काउंटर मिलता है खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 3520 से 3600 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3370 का। आपकी दो